कांग्रेसियों ने महंगाई के विरोध पर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बरेली के नवाबगंज में कांग्रेसियों का एक हुजूम नरेंद्र मोदी विरोधी नारे लगाते हुए बाजार रोड से तहसील नवाबगंज के प्रांगण में पहुंचा। वहां पर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार द्वारा कमर तोड़ महंगाई के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस बाबत कांग्रेसियों का कहना था कि मोदी सरकार आम जनता के सिर पर महंगाई का घड़ा उस समय फोड़ रही है जब संपूर्ण देशवासी त्राही त्राही कर रहे हैं। आमदनी कम हुई है, महंगाई बढ़ी है। जिस तरह से पिछले एक महीने के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों ने आसमान छुआ है, उससे साबित होता है कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पूरा देश महंगाई के बोझ से दबता चला जा रहा है। मोदी सरकार मस्त जनता पस्त। बताते चले कि जिला कांग्रेस कमेटी सेवादल अध्यक्ष रामदत्त के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर एडवोकेट नबी अहमद अंसारी, शम्सुल हसन, अली अहमद नेताजी, शहनाज हाजी, बशीर अहमद, हीरा कली, छाया देवी, कलावती, संतोष मुख्तार अहमद अंसारी, इश्तियाक अली एडवोकेट, मुख्तार अहमद अंसारी, शेर खान, आसिफ सहित सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद रहे। नवाबगंज उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। शेर खान जी, आज प्रदर्शन हो रहा है, किन मामलों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मैंने घर घर में गैस पहुंचाई है और घर घर तक बिजली पहुंचाई है और गांव तक पहुंच गई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ये कभी नहीं बताते कि आज सिलेंडर के रेट तेगने कर दिए हैं, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि हमने लाइट दी है हर गाँव तक, आज लाइट पहुँच चुकी है, लेकिन उसका बिल हमेशा से दुगना आता है, चौगना पचौगना बिल आ रहा है आज। तो आम जनता इस बीच में पिसती जा रही है और उसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी तो मैदान में है किसानों के लिए और आम जनता के लिए, और लगातार हम संघर्ष करते रहेंगे और कर रहे हैं। जो मैं चाह रही हूँ कि जिस तरह से इसमें महंगाई बढ़ रही है भाजपा के सरकार में, और जिस तरह से कांग्रेस कमेटी में एक बार जब गैस पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो स्मृति ईरानी जी ने चूड़ियां भेंट की थी, उसी प्रकार से अगर इस गैस पेट्रोल डीजल और अन्य चीजों पे जो महंगाई कम नहीं होगी तो हम लोग भी, हम महिला जो है, सब लोग मिलके उधर मोदी जी को ये चूड़ियां भेंट करेंगे और दोबारा से फिर से प्रदर्शन करेंगे। वकील साहब, आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला बताइए। आज जो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है उसमें जो भाजपा की तानाशाह सरकार है उन्होंने डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम में इतने बेतहाशा वृद्धि कर रखी है। पूरे भारत में, हिंदुस्तान में तरह तरह मची हुई है और गाड़ियां जो है लोग घरों में खड़ी कर रहे हैं और इस तरह की बहुत समस्या हो गई है। इन्होंने जो है लालच दिया था मोदी जी ने कि उज्ज्वला के अंतर्गत जो सिलेंडर बांटे थे, आज उसका पूरा जो है जो अपना उसका वो देखा जोखा सब पूरा कर रहे हैं, इतना महंगा कर दिया, सब्सिडी कमा रही है। आज हमारी कांग्रेस पार्टी के लोग जो है एसडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, हमारे महामहिम को ज्ञापन जाएगा और हमारे कांग्रेस की तरफ से ये मांग है कि डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम तत्काल कम किए जाएं और जो किसानों की जो बिल पास किए हैं किसानों के खिलाफ वो तीनों बिल तो वापस लिया जाए और हमारे किसानों के सम्मान की भी रक्षा की जाए। अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होते तब आपका क्या एक्शन होगा? हमारा एक्शन पार्टी जो कांग्रेस पार्टी का समर्थन हमारे राहुल जी, प्रियंका जी लगातार किसानों के हित में और जो कृषि बिल जो गलत पास किए उनके खिलाफ आवाज उनके खिलाफ कर रहे हैं कि ये बिल वापस होना चाहिए और हमारे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका पूरा समर्थन है और रहेगा।